Click on the bell icon to watch our latest videos. जो असुर है वो इंद्रदेव के साथ उनकी बहुत कहानियां हैं झगड़े वाले, एक कोई ऐसी कहानी सुनाई है ना? रियली सब कहानियां एक जैसे ही होती है क्योंकि एक साइकिल होता है, तो हर स्टोरी में वो साइकिल तो एक ही होगा कि एक असुर होगा, जैसे एक अंधकासुर है या महिषासुर है तो अलग अलग असुर होते हैं, या हिरण यक्ष है तो एक असुर होगा, हिरणकश्यपु है, तो स्टोरी लेकिन एक ही होती है, कैरेक्टर बदलते रहे, जैसे बॉलीवुड फिल्म्स होते हैं ना, तो एक ही स्टोरी होती है लेकिन, तो वैसे एक असुर होगा, वो तप करेगा, वो और तप के वरदान मिलेगा उसे, ब्रह्म से एक वरदान मिलेगा, उस वरदान के को यूज़ करके वो इंद्र के ऊपर अटैक करेगा, स्वर्ग के ऊपर अटैक करेगा, इंद्र वहाँ हार जाएंगे और इंद्र वहाँ वीक होंगे क्योंकि वो विलासपूर्ण जीवन रह रहे हैं, यू नो अय्याशी की जीवन रह रहे हैं, तो ही डजंट हैव एनी स्ट्रेंथ, कोई शक्ति नहीं है, तो उनके साथ लड़ाई होती है, तो इंद्र हारते हैं, तो इंद्र जाते हैं अपने पिता के पास, वापस ब्रह्मा के पास और बोलते हैं हमें बचाओ, तो ब्रह्मा कहेंगे या तो विष्णु के पास जाओ, या तो शिव जी के पास जाओ, या तो देवी के पास जाओ, और फिर देव देवी उनको हेल्प करेंगे और वापस असुर का वो डिफीट करेंगे और वापस इंद्र स्वर्ग पहुँचेगा, लेकिन हमको लगेगा कि अभी हैप्पीली एवर आफ्टर होगा जैसे फेरी टेल्स में होती है, लेकिन हैप्पी एवर आफ्टर कभी नहीं होगा क्योंकि वापस एक दूसरा असुर का जन्म होगा, तो एक साइक्लिकल स्ट्रक्चर ये स्टोरी का, रिपीटेडली कभी हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं होता क्योंकि पूर्ण विराम नहीं होता है हमारी सभ्यता में, हमेशा कॉमास होते हैं, फुल स्टॉप नहीं होता, तो ऐसे इंद्र की कहानी, वो अय्याशी जीवन रहेगा, जब जीतता है तो वो अय्याश बन जाता है, जैसे सक्सेसफुल होने के बाद वो बिल्कुल लेजी हो जाता है, फिर हारता है तो वापस काम करता है, सक्सेसफुल होने के वापस लेजी होता है, वापस हारता है, तो ये एक ऋतुचक्र चल रहा है, सर्कल ऑफ लाइफ। देवलोक विद देवदत्त पटनायक सीजन 2 अब एक किताब के रूप में, जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस।